हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग क्यूरिन और मैं आपका दोस्त आकाश बात कर रहा हूं। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नई तरह का तरीका आ चुका है, जिसके चलते आपको जो मास्क है वो ऐसे पहनना पड़ेगा ताकि आप जो है अपने आप को बचा पाओ। कई तरह की स्टडीज और कई तरह के रिसर्च में ये चीज सामने आई है कि अब जो नई तरह के वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, आप भी जानते हैं हमारे देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट आए हैं। ये म्यूटेटेड है पहले वाले वेरिएंट से ये ज्यादा खतरनाक भी माने जाते हैं। इसी के चलते अब जो सावधानी हमें लेनी है, जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, वो भी ज्यादा हो जाते हैं। अब इसी के चलते डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आपको ये राय दे रहे हैं, बल्कि हम सभी को ये राय दे रहे हैं कि जो मास्क है वो एक मास्क पहनना अब जो है वो काफी नहीं है। इस चीज का खुलासा कई तरह की स्टडीज में हो चुका है। अब आपको जो मास्क पहनना है वो आपको लगभग 2 मास्क कम से कम जरूर पहनने पड़ेंगे, 1 मास्क जो है वो अब काफी नहीं रह गया है। कई तरह की स्टडीज में ये चीज सामने आई है कि 1 मास्क आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत कम करता है, जिसके चलते अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आपको मास्क एटलीस्ट 2 पहनने चाहिए। इसमें से 1 मास्क आपका डिस्पोजेबल रहेगा या फिर आपका सर्जिकल मास्क जो नॉर्मली पहने जाते हैं, दूसरा मास्क आपका कपड़े का रहेगा जो कि वॉशेबल होगा। तो ये 2 मास्क जो है ये पहनना अब जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों, अब जो ये वायरस है इसका अगर मैं टेक्निकल नाम लूं तो इसको SARS-CoV-2 कहा जाता है। तो इसके जो आकार हैं, इसके जो कण हैं, उनका साइज जो है वो काफी छोटा है। इसके चलते अगर आपने 1 मास्क पहना है तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कहीं ना कहीं 40% तक ही बन पाती है, यानी आप इस वायरस से 40% तक ही सुरक्षित हैं। अगर आपको ये प्रोटेक्शन को बढ़ाना है तो आपको 2 मास्क पहनने पड़ेंगे, जिसके चलते आपकी जो प्रोटेक्शन है वो लगभग 90% हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 मास्क पहन रहे हो तो आपकी प्रोटेक्शन 90% हो जाती है। कई सारे एक्सपर्ट्स इस चीज को बता चुके हैं। तो अब अगर आप किसी इंडोर प्लेस पे हैं, कहीं मान लीजिए आप बंद एरिया में हैं जहां पे वेंटिलेशन नहीं होती है या बहुत क्लोजली लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं, खड़े हैं, उस केस में 2 मास्क पहनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको मैं बता दूं, जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये जो है ये एयरबॉर्न है, यानी हवा से भी फैलने वाले वायरस हैं। पहले वाले वायरस में इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स या क्लेम्स नहीं आते थे सामने, लेकिन इस वाले वायरस में इस तरह के क्लेम्स आते हैं कि ये जो वायरस है ये हवा से भी फैल सकता है। तो इसके चलते अब मास्क पहनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्क पहनना हो चुका है, क्योंकि एयरबॉर्न है। तो एयरबॉर्न अगर ये चीज है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका फेस प्रॉपरली कवर हो, और आप जिस चीज से फेस को कवर कर रहे हो वो इतना शक्तिशाली जरूर हो कि जो वायरस का जो साइज है वो जो है वो उससे आर पार ना हो पाए, उससे पेनिट्रेट नहीं हो पाए, और आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बराबर हो। अब इसके लिए जो गाइडलाइंस दी जा रही है मैं आपको सारी बता देता हूं। सबसे पहली कि अगर आप कोशिश करिए किसी भी क्लोज एरिया में नहीं जाइए, किसी भी बंद कमरे में नहीं जाइए। अगर आप किसी कमरे में या किसी हॉल में हैं तो इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए कि वहां पे वेंटिलेशन, क्रॉस एयरिंग जो है उसका प्रॉपर बंदोबस्त हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके कॉन्टेमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज बताई जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मास्क अब 1 की जगह 2 पहनना शुरू कीजिए। 2 मास्क पहनने से जो है आपकी जो सेफ्टी है वो लगभग दुगनी हो जाती है, यानी 40% से आप 90%, दुगनी से भी ज्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो। तीसरी चीज जो बताई जाती है वो ये कि अब मास्क जो है वो प्रॉपरली पहनना बहुत जरूरी है। हालांकि ये चीज पहले भी कहा जाती थी, लेकिन अब ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आप मास्क को पहन रहे हो, अपने फेस और अपने नोज को कवर कर रहे हो, तो ये प्रॉपरली जो है हर तरफ से सील होना चाहिए ताकि वायरस जो है कहीं से भी आपके सिस्टम में नहीं घुस सके। तो ये 2-3-4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी, बाकी जो पहले चलती थी हाथ धोने वाली, अपनी टाइमली अपने आप को सैनिटाइज करने वाली, वो तो रहेगी ही। सोशल डिस्टेंसिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी बरकरार है, वैसे ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग को करना है। भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ज्यादा नहीं जा सकते हैं। और जो अब लेटेस्ट अपडेट पूरी इस कहानी में हुआ है वो ये कि अगर आप प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो 1 की जगह 2 मास्क लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यही खत्म करता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।